Hey you everyone, welcome back to my channel. It's Arpita. I hope you all are doing well. So आज का vlog क्या होने वाला है? I am not sure कि आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा या नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं मैंने title में reveal करी है या नहीं, लेकिन yes आपको इस vlog में end तक ज़रूर पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ. Yes, it's early morning, मतलब अभी 6:30 ही बजा है एंड मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए बाहर. बाहर कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, गेस वॉट, मैं जा रही हूँ घर पे, यानी कि मम्मी पापा के पास फाइनली आफ्टर 6 to 7 months. देयर इज सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन बिहाइंड द कैमरा, यू गाइस डोंट नो. तो मैं सिर्फ आप लोगों को वही बताती हूँ जो कि बताना चाहिए. इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं ऑन कैमरा शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये ऑब्वियसली धीरे धीरे आप लोगों को सब कुछ पता चल ही जाता है एंड चल ही जाएगा. सो मैं क्यों घर पर जा रही हूँ, क्या हुआ है क्या नहीं, मतलब अच्छी चीज़ की वजह से जा रही हूँ, ठीक है. इट्स अ गुड थिंग, वो आप लोगों को आगे जाके पता चल जाएगा. मैं ज़्यादा कुछ अभी रिवील नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये कुछ अच्छा चीज होने वाला है, दैट्स व्हाई मैं घर पे अभी जा रही हूँ. सो मैंने, आप देख सकते हो घर पे एकदम सब कुछ मेस होके पड़ा है. मेरी बैग यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब पैकिंग वैकिंग सब कुछ हो चुका है, बिकॉज ऑब्वियसली अभी हार्डली 15 to 20 मिनट्स में मैं यहाँ से निकल रही हूँ. सो घर के डोर स्क्रीन एंड ऑल सब कुछ मैंने कर्टन्स वगैरह निकाल दिए, चेंज कर दिए, बिकॉज हो सकता है कि मैं 1-2 महीना वहाँ पे रुकूँ. हो सकता है क्या, मैं रुकूंगी ही वहाँ पे 1-2 महीना. सो यस, तब तक यू विल एन्जॉय माई घर वाला सीनरी, घर वाला थिंग, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीथिंग मैंने चेंज देर. यहाँ पे मैं अलग लाइफ जीती हूँ एंड वहाँ पे मैं अलग लाइफ जीती हूँ, तो आप लोगों को वो सब कुछ देखने को मिलेगा. सो आई एम सुपर एक्साइटेड. कौन मतलब एक्साइटेड नहीं होता है घर पे जाने के लिए, आई एम सुपर एक्साइटेड. सो यस, आज ही जाके, एक्चुअली मैं अभी सुबह निकल रही हूँ, हमने टैक्सी किया है, मैं मतलब यहाँ से अहमदाबाद तक, तो वहाँ से मुझे फ्लाइट में जाना है, डायरेक्ट फ्लाइट है, तो रात तक मैं पहुंच जाऊंगी घर में एंड मैं व्लॉग को कंटिन्यू रखूंगी. आई एम नॉट श्योर कि मैं व्लॉग को कंटिन्यू कर पाऊंगी या नहीं, बिकॉज यू नो मैं अयांश को सिंगल हैंडेड लेके जा रही हूँ एंड मेरे हस्बैंड जो है घर तक नहीं जा रहे हैं, ठीक है. मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड बाद में आएंगे कुछ दिनों के बाद, लेकिन आज मैं जा रही हूँ. सो उसको लेके अकेले जाना, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा होगा, क्योंकि पहले मैं अकेले तो मैं बहुत बार मतलब यू नो ट्रैवल कर चुकी हूँ, लेकिन अयांश को लेके जाना, एक बेबी को लेके जाना, वो भी अभी थोड़ा थोड़ा लाइक बड़ा होने लगा है एंड बहुत परेशान करता है, हर बच्चे करते हैं जस्ट लाइक दैट. सो यस, उसको लेके जाना एक टास्क है, तो मैंने ये टास्क मतलब ये जो टेस्ट है मैंने सोची कि मैं दूंगी, लेट्स सी मैं पास करती हूँ या फेल, घर पे पहुंच के पता चलेगा. आई होप कि मैं अच्छा खासा हैंडल कर लूंगी, लेट्स सी क्या होता है एयरपोर्ट पर पहुंच के. तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, आई एम नॉट श्योर कि मैं इस ब्लॉग को कहाँ तक यू नो कंटिन्यू कर पाऊंगी. अगर यू नो इसके बाद कुछ फिल्म ना भी कर पाऊँ तो मैं घर पर जाके आप लोगों को यू नो ब्लॉग बना के दिखा दूंगी. सो यस, मैंने कुछ मेकअप नहीं लिया, बिकॉज क्या फर्क पड़ता है, मास्क तो लगाना है यहाँ से लेके वहां तक एंड मतलब कंपल्सरी है. मतलब फ्लाइट में हम ओपन भी नहीं कर सकते हैं एंड थोड़ा सा मैंने टिंटेड वाला लिपस्टिक लगा दी है, दिस इज गिव मी मोका बाय वेट एंड वाइल्ड, क्योंकि ओंट यू नो बहुत ही पिगमेंटेड हो जाते हैं बाय एंड ऑफ द डे. सो यस, चलिए चलते हैं. मैं बहुत ही ऑकवर्ड पोजिशन में बैठ के यहाँ पे मतलब ऐसे वीडियो फिल्म कर रही हूँ, बिकॉज सब कुछ ड्राइवर एंड ऑल मैंने घुसा दी है बैग के अंदर, तो मैं नहीं चाहती थी ओपन करना. सो इसीलिए तो यार, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज व्लॉग. इंट्रो बहुत ही लॉन्ग हो गया है, आई डोंट नो मैं इसको कट करूंगी या क्या करूंगी, एडिटिंग के वक्त पता चलेगा, लेकिन मैं सब कुछ एड्रेस करना चाहती थी. तो यस, चलिए चलते हैं. Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah, no I don't wanna waste what's left. Okay guys, hum pahunch chuke hain airport pe. नहीं है
मुझे इम्प्लांट है शायद, इसीलिए मुझे फ्री सीट मिला है. एंड यस, अभी आई थिंक 1-1.5 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगी मतलब भुवनेश्वर. एंड पापा आ रहे हैं मुझे पिक करने के लिए. सो एक्चुअली आयांस अभी सो गया है, और क्योंकि मेरे पास का सीट जो है वो खाली था तो मैंने उसको सुला दिया है. सो आई एम सो टायर्ड बिकॉज सुबह से 6 बजे से उठ के मैं ट्रैवल कर रही हूँ, एंड आई थिंक 10 बजे तक मैं घर पे पहुँच जाऊँगी. सो अरे धन्ना कर रे हाथ रे हां ओके गाइस, तो अभी मैं हूँ घर पे. मैं आपको बताती हूँ लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट. तो कल रात को भी मैं पहुँच गई थी घर पे, ठीक है, 10:30 बजे. लेकिन मेरे पास इतना हिम्मत नहीं था कि मैं कैमरा उठाऊँ एंड वीडियो करूँ. सो मैं आई एंड रेस्ट करने लग गई. हालांकि बहुत लेट तक मैं नहीं सोई थी, मम्मी के साथ बात कर रही थी, बहुत दिन के बाद मिले तो बात कर रही थी. लेकिन यस, वीडियो करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं सोचा कि चलो मैं सुबह उठ के कंप्लीट कर लेती हूँ. तो यस, इट वाज लाइक आप लोगों के लिए एक सरप्राइज जर्नी रहेगा. मतलब आप लोगों को कुछ भी पता नहीं था, एंड मैंने किसी भी ब्लॉग में आप लोगों को बताया भी नहीं, बिकॉज मैं चाहती थी कि आप लोगों को अचानक से पता चले कि मैं जा रही हूँ घर पे. सो ये सयान से यहाँ पे बहुत ही मज़े में है लाइक कल से. इसमें आप लोगों को यही बता रही थी कि मैं यहाँ पे कुछ काम है इसलिए आई हूँ, एंड 1-2 महीने के लिए आई हूँ. एंड मैं चाहती हूँ कि 1-2 महीना एकदम रानियों की तरह यहाँ पे मैं ऐश करूँ, बिकॉज मैं घर पे जब आती हूँ, आई थिंक सबके साथ ये होता होगा, जो भी घर पे आते हैं उनके साथ तो मज़े ही मज़े होता है. सो आई एम जस्ट गोना एंजॉय माई डेज, माई यू नो दिन वो ही हो. अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा एडिटिंग में बैठूंगी, बिकॉज हो गया है 2-3 दिन आने के चक्कर में मैंने कुछ काम वाम नहीं की है. सो अभी मैं थोड़ा सा काम करने के लिए बैठूंगी, बिकॉज आयान सभी मम्मी के साथ खेलेगा तो वो बिजी रहेगा, तो मेरे लिए कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ पे. तो यस, दैट्स इट फॉर माई टूडेज ब्लॉग. बस ये इस ब्लॉग में आप लोगों को वहाँ से यहाँ तक का जर्नी देखने को मिलेगा, और कुछ जो भी होगा धीरे धीरे होता जाएगा, मैं आप लोगों को और किसी दूसरे ब्लॉग में दिखाते चलूँगी. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. सो या यू गाइज, दैट्स इट फॉर माई टुडेज़ व्लॉग. मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कंटेंट. टिल देन, बाय.